क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीलता चल नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

में कुछ जीन इंट्रक्शन वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व किया ठीक है अब आप में से कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर यह जो जीन इंट्रेक्शन है ये में तो बहुत छोटे जो पेज है तो देख लीजिएगा उसको उन्होंने मेन चैप्टर में, में एड भी कर दिया हो तो यह जो पोर्शन पढ़ाया गया जीन इंट्रैक्शन का वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है एनसीईआरटी के अंदर ही है यह बात अलग है कि जितना एनसीईआरटी में लिखा उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा बेटा जाना पड़ता है और हमें क्वेश्चन करने होते हैं क्योंकि देखिए पिछले तीन चार साल में अधिक क्वेश्चन इस पोर्शन से नहीं आया है लेकिन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां से जो है वो एग्जामिनर एक टुस्ट, टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है थाके? मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि पिछले एग्जाम जैसे कभी आपने देखा है कि जो म्यूचुअल फंड का एड आता है जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसका जो एड आता है उसमें क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड जो लोग शेयर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लिखा होता है म्यूचुअल फंड के एड में बोलते हैं कि आ, पिछले परफॉर्मेंस इस बात की गारंटी नहीं है कि आने वाला परफॉर्मेंस ही वैसा ही रहेगा ठीक है मतलब पिछला जो रिटर्न मिला है आपको वो वैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है तो बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए आपका एग्जामिनेशन पेपर भी होता है कि पिछले पेपर यदि सरल आए 2020 का पेपर एकदम सरल आया तो इसका मतलब ये नहीं है ट्वेंटी ट्वेंटी वन और सरल होगा नहीं ऐसा मत सोचिए आप हमेशा यह सोच के चलिए कि पेपर कुछ भी आए चाहे कठिन पेपर आए चाहे सरल पेपर आए हम ही फोड़ कर कराएंगे लेकिन हमको अपना लेवल एग्जाम के लेवल से थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर अपना लेवल बढ़ाए तो वो हमारे रेंज के बाहर ना निकल जाए वो हमारे रेंज के बाहर नहीं निकलना चाहिए तो तो साथ में आपसे कहा आपको चलना होता है एज ए टीचर आई कैन नॉट टेक ए रिस्क ठीक है इसलिए प्लीज जीन इंट्रेक्शन वाले हिस्से को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो डीपीएस में क्वेश्चन गए उनको सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है चलिए अब

करते हैं तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको मान लो मैं जाता हूं और मैं आता हूं हेलो कमांडो वेलकम टू बायोमेंट क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर जीतेन सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस पिछली क्लास में हमने देखा था और डोमिनेंट इपीटेसिस क्या होता है और क्या फ्यूनिटिफिकेश में मिलते हैं तो चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा उनके आप मुझे उत्तर दीजिए बताइए मुझे नंबर एक मोडिफायर जीन एक्शन में मोडिफायर जीन एक्शन या कोलेब्रेशन में हमें क्या फिनोटिपिक रेशियो मिलता है क्वेश्चन नंबर टू कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन की स्टडी किस प्लांट में की गई थी रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन में के कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन की स्टडी किस प्लांट में की गई थी और क्या फिनोटिपिक रेशियो हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर है कि आपको बताना है डुप्लीकेट जीन एक्शन की स्टडी जो है किस प्लांट में की गई थी डुप्लीकेट जीन एक्शन की स्टडी किस प्लांट में की गई थी क्वेश्चन नंबर का फिनोटिपिक रेशियो क्या है क्वेश्चनिस में फिनोटिपिक रेशियो हमें क्या मिलता है क्वेश्चन नंबर फाइव डोमिनेंट इपी में हमें फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलता है ठीक है पांचों क्वेश्चन के आंसर चाहिए बेटा मुझे ठीक है कमेंट में लिख भेजना तो अनुवांशिकी की कहानी में जेनेटिक्स की स्टोरी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और नई नई चीजें हमको मालूम चल रही है पिछली क्लास में बात किया था कि कई बार कुछ जीन ऐसे होते हैं जो अलग अलग जो है लोकस पर पाए जाते हैं लेकिन एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं तो मैंने कहा था कि कुछ वे जीन जो दूसरे जीन के इफेक्ट को दबाते हैं उन्हें इपी जीन कहते हैं और जो दब जाते हैं उन्हें हम हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं

इनहेरिटेंस के बारे में हम बात करेंगे हमके तो आज हम बात करेंगे कि कई बार ऐसा होता है ध्यान से मेरी बात सुने घट के पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि जो जीन है उनका नंबर डिसाइड करता है कि फिनोटाइप किस तरह का होगा मतलब एक डोमिनेंट जीन है उसका जो नंबर है यानी एक जीनोटाइप के अंदर मान लीजिए एक ही तरह एक कैरेक्टर को एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले एक से अधिक जीन हैं, तो उनमें कितने डोमिनेट एल है नंबर ऑफ डोमिनेंट एल डिसाइड करता है कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन किस तरह का होगा क्लियर चलिए तो एक काम करते पहले हम समझते अच्छे समझेंगे को पहले हम देखते हैं के बारे में क्या कहना चाहता है तो से इनहेरिटेंस याद रखिएगा बेटा ये इंपॉर्टेंट है और जिन बच्चों के पास में एक या दो साल पुरानी एनसीआर है तो पॉलिजेनिक इनहेरिटेंस एनसीआर के सबसे आखिर के पेजों में दे रखा है ठीक है और नई जिनके पास इस साल का एनसीआर है या तो अब नई न्यू एनसीआरटी है तो उसमें उन्होंने जो है चैप्टर के अंदर एड कर दिया है बेटा ठीक है Mendel's studies mainly described those traits that have distinct alternate form such as flower color इधर पर्पल और व्हाइट बिल्कुल सही बात है ने बताया आप देखो मेंडल के बारे में तो हम जानते हैं कि मेंडल ने कहा था कि एक फैक्टर जो होता है एक कारक जो है एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है में जो करेक्टर अपने आपको एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेट करेक्टर होगा ठीक है मेंडल ने कहा था गेमिट फॉर्मेशन के समय करेक्टर अपने आपको सेग्रीगेट करते हैं मेंडल ने कहा था कि कैरेक्टर का एसॉटमेंट जो है इंडिपेंडेंट होता है अगली पीढ़ी में करेक्टर जो है वो स्वतंत्र रूप से वंशागति करते हैं मतलब इन बातों में मेंडल के सारे नियम आ जाते हैं ठीक है अब यदि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार अब हम इतना जानते हैं कि मेंडल का यह बोलना था कि फ्लावर या तो पर्पल होगा या व्हाइट होगा प्लांट या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा यदि टॉल प्लांट है तो पांच फिट का होगा डॉर्फ है तो दो फिट का होगा मान लीजिए ठीक है जो सीड कलर है येलो होगा या ग्रीन होगा ठीक है ये मेंडल बोलते थे लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं कई बार हम देखते हैं जैसे हम बात करें ह्यूमन स्किन कलर की बात करें हम अपने स्किन के कलर की बात करें तो क्या सभी लोग क्या सभी लोग एकदम डार्क है या एकदम व्हाइट है एकदम गोरे एकदम जो है वो यूरोपियन स्टाइल गोरे हैं या एकदम निग्रो नहीं हम देखते हैं कि हम में से सकल, कई लोगों का कॉम्प्लेक्शन अलग अलग है अब इंटरेस्टिंग बात है जैसे यदि मैं कहूं कि मेरा कॉम्प्लेक्शन जो है वो विटिश कॉम्पलेक्शन के मतलब मैं गेहूँ रंग इसको हिंदी बोलते है, है में बोलते हैं विटिश कॉम्प्लेक्शन है मेरा एंड ना फेयर में है ना डार्क में हट मेरी मदर का कॉम्प्लेक्शन एकदम जो है वो आ, मेरी तुलना में काफी फेयर में हटके मेरे ब्रदर का कॉम्प्लेक्शन मुझसे अलग है मेरे बच्चे का कॉम्पिटेशन मुझसे अलग हट के और हम देखेंगे कि तो हम सबका जो है यदि स्किन कलर का हम तैयार करें तो कई सारे लेवल बनते हैं उसमें यानी एक व्यक्ति डार्क हो सकता है लाइट डार्क हो सकता है ठीक है एक व्यक्ति जो है मीडियम डार्क हो सकता है एक व्यक्ति जो है वो हम कहते हैं कि जो है वो फेयर हो सकता है ठीक है हम कह सकते हैं कि वो जो है वो मतलब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि फेयर हुआ ठीक है फेयर हुआ लेस फेयर हुआ मीडियम डार्क हुआ ठीक है मीडियम मतलब तो ऐसे करके कई सारा एक स्पेक्ट्रम पूरा बन रहा है या हम ह्यूमन हाइट की बात करें यह भी एक अच्छा एग्जाम्पल है मनुष्य की ऊंचाई की बात करें भाई हम सबकी लंबाई कितनी है तो हम कहते हैं भाई से हम यदि अपनी हाइट की बात करें तो आप देखेंगे

आप लड़कियों की बात करें गर्ल्स की बात करें तो आप देखेंगे पांच फीट सात इंच, इंच, इंच यदि हाइट है पांच फीट आठ इंच हाइट है लड़कियों में तो टॉल अलग ही दिखाई पड़ेगी उठ के तो वो उसकी सभी क्लास की लड़कियों लड़कियों की तुलना तो में सहेलियों की तुलना तो में वो अलग टॉल दिखाई पड़ेगी तो मतलब ये है कि हाइट भी देखें तो एक्सट्रीम्स कम है जिएगा के चार फीट वाले साढ़े चार फिट वाले कम दिखाई पड़ेंगे पांच फीट की हाइट है चार फीट दस इंच फीट इंच कम दिखाई पड़ेंगे फिर जिसकी हाइट गर्ल्स में जो है पांच फीट आठ पांच फीट नौ इंच है वो भी कम दिखाई पड़ेंगे मतलब यदि हम ग्राफ की ग्राफिकल तौर पर बात करें तो हमको ऐसा ग्राफ दिखाई पड़ेगा यानी दोनों एक्सट्रीम लो हाइट और एकदम जो है अधिक हाइट के कम या अधिक वो कम होंगे लेकिन मीडियम बीच वाले जो है वो आपको अधिक देखने मिलेंगे संख्या में ये एक प्रकार से हमको कंटिन्यूस वेरिएशन देखने मिलेगा सतत विभिन्नताएं देखने मिलेंगी अब ये सब क्यों होता है मतलब ये हुआ कि एक पूरा का पूरा हमें स्पेक्ट्रम देखने मिल रहा है हाइट के लिए बात करें हम ह्यूमन स्किन कलर के लिए बात करें हम है या नहीं चलिए क्या लिखा है इसमें एनसीआरटी में बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देर आर मेनी ट्रेड कई ऐसे लक्षण हैं जैसे मैंने कहा आपसे ह्यूमन हाइट की बात की मैंने आपसे ह्यूमन स्किन कलर की बात की मैंने विच आर नॉट सो डिस्टिंग जो एकदम स्पष्ट नहीं है इन दर ऑक्रेन एंड स्प्रेड अक्रॉस ग्रेडियंट मतलब वे अक, जो है मैंने कहा ना आपसे कि वो ग्रेडियंट में स्प्रेड में है अधिक से कम के बीच में जो है आपको सब तरह का रेंज आपको देखने मिलेगा ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आपको ऐसा देखो सोचिए यदि मटर के पौधे के समान इंसान में होता है मटर के पौधे समान होता है कि या तो हाइट आदमी की छह फिट होगी या चार फिट होगी तो क्या होता सारे कई लोग आपको चार फिट के दिखते कई लोग बाकी लोग आपको फिट के छिखते एक बिल्कुल एकदम हो जाता है ना पर ऐसा तो नहीं होता है आपको लोग मिलेंगे सब हाइट के आपको लोग मिलेंगे स्किन कलर के भी सबके आपको लोग देखने मिलेंगे मतलब यह है कि एक पूरा रेंज होता है परास होता है एक पूरा ग्रेडियंट में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है कैरेक्टर टू दो डिस्टिंग रूप में नहीं होते ठीक है ना क्लियर फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल अल्टरनेटिव होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स मैंने कहा ना आपसे कि मतलब यदि आप हाइट का क्राइटेरिया लेके एडल्ट व्यक्ति में बात बोले आप तो हमने कहा कि चार फिट से लेके, चार फिट सात इंच चार फिट आठ इंच चार फिट नौ इंच पांच फिट पांच फिट एक इंच पांच फिट दो इंच पांच फीट तीन इंच पांच फीट फाइव फीट फोर फाइव फीट फाइव फाइव फीट सिक्स इंचेस फाइव फीट सेवन इंचेस फाइव फीट एट इंच आपको सब लोग लोग देखने मिलेंगे आपको हर वेरिएशन में आपको लोग देखने मिलेंगे ठीक है मतलब यह है कि यहां पर जो है वो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जाहिर सी बात यहां पर है कि यहां पर जो है कोई अकेला डोमिनेंट जीन तो काम नहीं कर रहा होगा एक अकेला डोमिनेंट जीन काम करता तो पॉसिबल नहीं होते मतलब कोई ऐसी जिससे कई सारे वेरिएशन कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे यहां पर तो मैंने क्या सच ट्रेट आर जेनेटिकली कंट्रोल बाय थ्री और मोर जीन आप देखिए कितने आईएमपी के इसका मतलब ये कि ऐसे ट्रेड जो होते हैं ऐसे लक्षण जो होते हैं वो तीन या तीन से अधिक जीन से कंट्रोल होते हैं और जितने अधिक जीन इसमें इन्वॉल्व होंगे उतने अधिक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने अधिक आपको ग्रेडियंट देखने मिलेंगे ठीक है इसका मतलब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट का नाम है सीवी डेवनपोर्ट सीवी डेवनपोर्ट सीवी डेवनपोर्ट ठीक है इन्होंने ह्यूमन स्किन कलर का स्टडी किया इन्होंने मनुष्य में स्किन कलर के इनहेरिटेंस का स्टडी किया था अटके और एक साइंटिस्ट थे नीलसन एंड एहले नील्सन एंड एहले साइंटिस्ट थे नीलसन एंड गेहूं का, का दाना जो तो है का दाना रेड हो सकता है व्हाइट भी ना मैक्सिकन वीट जो है रेड होता है एकदम के और आप यूरोपियन वीट देखेंगे वो व्हाइट होता है थीके? तो जो गेहूं का दाना है उसमें भी आपको रेंज देखने मिलता है तो जो नीलसन एंड ने नीलसन और ने

और एक ये मैंने कहा कि एक ये ठीक है या हम ऐसा बोले बोलते कन्फ्यूज होगा मैंने आपसे क्या कहा कि एक डोमिनेंट जीन जो है वो एस वन एक डोमिनेंट जीन है एस टू जो है वो इसका जो है वो एस वन एस वन जो है स्मॉल एस वन जो, S1 जो इसका, इसका रेसिसिव जीन है ठीक है और इसी तरह का एक और जीन है वो है आपका कैपिटल एस टू जी ने सेम करेक्टर सेम करेक्टर की बात करें मान लो फॉर एग्जांपल हमने कहा स्किन कल की बात करें हम समझने के लिए बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूं स्किन कलर की बात करें तो हमने एस टू को भी लिया हमने ठीक है स्मॉल एस टू एस थ्री को लिया हमने ठीक है स्मॉल एस थ्री ठीक है इसका मतलब यह हुआ मैं इसको डोमिनेंट डोमिनेंट

कैपिटल एस वन कैपिटल एस वन कैपिटल एस टू कैपिटल एस टू कैपिटल एस थ्री कैपिटल एस थ्री मतलब छे जीन, छे जीन और छ के छे जीन डोमिनेंट हैं मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में जो अब हमने क्या कहा आपसे कि ह्यूमन स्किन कलर जो मनुष्य की त्वचा का रंग है ह्यूमन स्किन कलर थ्री पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल हो रहा है क्लियर

सभी डोमिनेंट है तो मैंने कहा जीन है वो डोमिनेंट है, है तो ऐसा व्यक्ति होगा निग्रो, डार्क, डार्क। सभी जीन नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन डिसाइड कर रहे हैं कि स्किन कलर कैसा होगा एकदम डार्क निग्रो हो गया मान लो कोई दूसरा ह्यूमन बींग ऐसा है स्मॉल एस वन स्मॉल एस वन स्मॉल एस टू स्मॉल एस टू स्मॉल एस थ्री स्मॉल एस थ्री मतलब इसके पास इसके पास एक भी जीन डोमिनेंट नहीं है इसके पास एक भी जीन डोमिनेंट नहीं है स्मॉल एस वन स्मॉल एस वन स्मॉल एस टू स्मॉल एस टू स्मॉल एस थ्री स्मॉल एस फोर के एस थ्री के क्या हो गया ये इसके पास एक भी जीन डोमिनेंट नहीं है तो ये हो गया है फेयर यूरोपियन ठीक है एकदम गोरा एकदम जो है वो व्हाइट स्किन यूरोपियन वगैरह तो निग्रो में क्या है निग्रो में पूरे 6 के 6 तीनों जोड़ 33 ती, पेयर ऑफ जिनमें सभी के सभी क्या है वो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो एकदम डार्क हो गया यूरोपियन में एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो क्या हो गया वो वो फेयर हो गया अब मान लीजिए कि इन दोनों की मैरिज कर दी हमने निग्रो की हमने मैरिज कर दी वाइट से है ना निग्रो की हमने व्हाइट से मरीज कर दी तो क्या हुआ अब हुआ ये कि इनके इनकी जो संतान बनी वो क्या होगी हमें मालूम है निग्रो का गेमिट क्या होगा कैपिटल एस वन कैपिटल एस टू कैपिटल एस थ्री होगा ठीक है फेयर का गेमिट क्या होगा स्मॉल एस वन स्मॉल एस टू स्मॉल एस थ्री होगा तो एफ वन में संतान क्या बनेगी कैपिटल एस वन स्मॉल एस वन कैपिटल एस टू स्मॉल एस टू कैपिटल एस थ्री स्मॉल एस थ्री ऐसी बनेगी ना ये ठीक है तीन जो एक गैमिट आएगा फेयर से और तीनों के आएगा एक गैमिट आएगा निग्रो से तीनों डोमिनेंट एल लेके आएगा अब क्या हुआ संतान में संतान में डोमिनेट जीन कितने इसमें संतान में डोमिनेंट जीन कितने तीन मतलब निग्रो से वो निग्रो उतना डार्क नहीं होगा वो ठीक है और फेयर भी नहीं होगा उतना मतलब

और एकदम व्हाइट भी नहीं है वो बीच का कलर हो गया उनका के तो ये क्या हुआ यहां पर क्या हुआ यहां पर न, उनके पास नंबर और डोमिनेंट जीन तीन है उनके पास में तो कलर बीच का हो गया अब अब इसको आप यदि आप इस, तरह के ए, इनको हम क्या बोलते हैं मुलेटोस बोलते हैं मैंने मेडिकल टर्मोलॉजी में इनको हम बोलते हैं जो निग्रो व्हाइट मैरिज की जो संतानें होती हैं जो ऑफ स्प्रिंग निगरों और व्हाइट मैरिज से उत्पन्न होती है उनको हम मुलेटोस बोलते हैं उनके लिए हम मुलेटोस वर्ड का यूज करते हैं ठीक है

यदि यदि पूरे छह के छह जीन डोमिनेंट हैं निग्रो तीन जीन डोमिनेंट हैं मुलेटोस एक भी जीन डोमिनेंट नहीं है तो फेर यदि दो जीन डोमिनेंट हैं तो फेरर देन मुलेटो है ना एक जीन डोमिनेंट है तो मोर फेरर देन मुले, मुलेटो और एक भी नहीं है तो फेर ठीक है और यदि चार जीन डोमिनेंट है डार्कर देन मुलेटो पांच डोमिनेंट जिन्हें मोर डार्कर कर देने मुलेटोस और छह है तो निग्रो है ना ठीक है तो क्या बोला मैंने आपसे मैंने आपसे कहा

चलिए तो इसका मतलब हम समझ गए कि मनुष्य के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनका नियंत्रण जिनका कंट्रोल जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से होता है जैसे कि हमारे बालों का रंग हेयर कलर हमारा स्किन कलर हमारी आंखों का रंग आई कलर और हमारी ऊंचाई हाइट ठीक है ये वो कैरेक्टर हैं जो पॉलीजेनिक ट्रेट की कैटेगरी में आते हैं क्लियर ठीक है पॉलीजीन पॉलिजेनी इज वेन ए सिंगल क्रेटिस्टिक में बी कंट्रोल्ड बाई मोर देन वन जीन मतलब पॉलिजेनिक एन टो एग्जाम्पल है इंटरक्शन ऑफ जीन का ये इंटरक्शन ऑफ जीन्स का एग्जाम्पल है जहां पर की एक्सप्रेशन जहां पर की एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ

देख रहे हैं आपके आप देखें डार्क ब्राउन आई लाइट ब्राउन आई एकदम लाइट ब्राउन आई के आप देख रहे हैं कि फिर जो है ब्लू स्टेंज में फिर ग्रीन आई के आप देख रहे हैं कि कितना वेरिएशन है हमको और ये आपको अपने, आपको अपने आप को अपने आपने अपने ब्रदर सिस्टर से देखेंगे ना तो वहां भी आपको डिफरेंस देखने मिल जाएगा ठीक है ना तो ये भी क्या किसका है किसका एग्जाम्पल है पॉलिजेनिक एनिटेंस का ही ये एग्जाम्पल है अब हाइट का देखिए आप

sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. you should download bio Mentors app from google play store. we need your support, so please take subscription to become an official commando of bio bye-bye. continue your lecture. <laughs> <laughs> चेकर बोर्ड में आदि आप बनाते हैं थ्री पेयर ऑफ जिन के लिए भी चेकर बोर्ड तैयार करते हैं ना आप तो 64 खाने बनाने पड़ेंगे कितने 64 खाने बनाने पड़ेंगे तो आप देखेंगे अपर अपर यदि हम चेकर बोर्ड बात करें तो सबसे ऊपर वाला कॉर्नर का जो खाना होगा ना उसमें कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल एस वन कैपिटल एस वन कैपिटल एस टू कैपिटल एस टू कैपिटल एस थ्री कैपिटल एस थ्री रहेगा उसमें तो जो प्योर डोमिनेंट है वो आपको ऊपर एक कॉर्नर मिलेगा लास्ट में एक मिलेगा आपको बीच में क्या मिलेंगे आपको सारे आपको बीच में इंटरमिट मिलेंगे किसी में एक डोमिनेंट जीन होगा किसी में दो डोमिनेंट जीन होंगे किसी में तीन डोमिनेंट जीन होंगे किसी में चार डोमिनेंट जीन होंगे किसी में पांच डोमिनेंट जीन होंगे लेकिन पूरे छह डोमिनेंट जीन वाला एक मिलेगा आपको और पूरे छह रसिब जीन वाला भी आपको एक ही मिलेगा बनाकर देख लो चकर बोर्ड आप ठीक है इसलिए एक्सट्रीम्स कम संख्या में होते हैं इंटरमीडिएट अधिक संख्या में होते हैं ठीक है बेटा देखिए आप ह्यूमन स्किन कलर की बात कर रहे हैं देख रहे हैं हम के हम व्हाइट को देख रहे हैं निग्रो को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं वो मुलेटो को देख रहे हैं इंटरमीडिएट कलर जो है है ना ठीक है हालांकि इट इज फेयर देन मुलेटोस, तो हम देख देखिए है ना यदि आप ह्यूमन स्किन कलर की बात करें हम तो वेरी लाइट वेरी डार्क एंड मीडियम ठीक है और हम इंडियंस लोग क्या होते हैं हम इंडियंस लोग इसी कैटेगरी में आते हैं इसमें ठीक है हम इंडियंस लोग जो है इसी कैटेगरी में आते हैं ठीक है और मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो आ, जो कॉम्प्लेक्शन है ना ये पूरी तरीके से जैसे जैसे कभी आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे आपके नॉर्थ ईस्ट जाएं आप आसाम जाएं आप या आ, आसाम तो नहीं मैं बोलूंगा आप, आप बोलूंगा आपसे कि जैसे आप मेघालय जाते हैं आप ठीक है या आप जो है वो ऊंचा उच, ऊंचे एरिया नागालैंड के ऊंचे एरिया में जाते हैं आप पाएंगे सिक्किम के ऊंचे एरिया में जाते पाएंगे कि वहां पर लोग जो है वो हाइट कम है ब्रॉड बिल्ट के लोग हैं ठीक है और वो जो है वो फेयर है देर फेयर इन कॉम्पिटन के

जो वहां पर रहते आनेट के जो बस गए वो नेट के जो शुरू से वहां पर नेटिव लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मेट के बॉम्बे आएंगे आप तो बॉम्बे में आपको सब वैरायटी के लोग मिलेंगे क्योंकि बॉम्बे जो है वो अपने आप में कोई बॉम्बे जो है बसा है ना बॉम्बे में लोग आकर बसे तो सारा दुनिया भर का वेरिएशन यहां पर आपको एक साथ देखने मिलेगा तो मैं उन प्लेस की बात नहीं कर रहा जहां पे लोग माइग्रेट करके पहुंच गए मैं जहां लोग रह रहे हैं शुरू से के।, के की बात करूं मैं आपसे साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करूं करूटके तो आप देखेंगे कॉम्प्रेशन में आपको पूरा वेरिएशन देखने मिला पंजाब जाएंगे आपके तो पंजाब में भी आप देखेंगे कि आपको जो है वो टॉल बिल्ट के लंबे चौड़े गोरे लोग आपको देखने मिलेंगे आपको उठ के तो मतलब ये जो है वो

जो जो है 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 तो है है वो वो अपना कंट्रीब्यूशन देता तो टोटल इफेक्ट होता है, होता होता एडिटिव के जोड़ने वाला होता है, मतलब होंगे, तो, होगा, होंगे, तो, कम, होगा, होंगे, तो और कम होगा थ्री डोमिनेट एल होंगे तो और कम होगा और एक भी नहीं, हो, तो एकदम से नहीं होगा के मतलब कितने एल एलिनेट डोमिनेट एल प्रेजेंट है उस पर इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है जीन्स ए बी सी कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमन विद डोमिनेंट फॉर्म ए बी सी कैपिटल ए बी सी आर बीसीब फॉर डार्क स्किन कलर एंड फॉर्म स्मॉल ए बी सी फॉर लाइट स्किन कलर के मतलब डोमिनेंट फॉर्म में क्या होगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी बी कैपिटल कैपिटल सी कैपिटल सी होगा ये निग्रो होगा और व्हाइट में क्या होगा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल में होगा ठीक है क्लियर तो दिनोटाइप विथ ऑल डोमिनेंट एल िल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर एंड दट विदिव एलेल विल है लाइटेस्ट स्किन कलर ठीक है ना एज एक्सपेक्टेड ऑफ थ्री डोम एलेल एंड थ्री रेसिव एलेल विल हैव द इंटरमीडिएट स्किन कलर मुलेटोस बोलेंगे इनको हम क्या बोलेंगे इनको हम मुलेटोस बोलते हैं तांबिया कल क्यों होंगे विटिश कलर के होंगे

मेरे बे, मेरे बेटे का कलर जो है वो वो छोटे वाले बेटे का कलर एकदम फेयर है बड़े वाले का थोड़ा सा कम फेयर है उसकी तुलना में हटके मतलब ये एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डॉमिनेंट एलट के यदि आप मेरी मदर को देखेंगे तो मेरी मदर का कलर एकदम फेयर है एकदम फेयर कलर उनका के मतलब उनके पास डोमिनेट एल है वो एक आध ही रहा होगा अटके इसलिए वो यूरोपियन तो नहीं, नहीं है वो लेकिन यूरोपियन के समान ही आस पास हटके जबकि मेरे फादर का कलर जो है वो डार्क था तो पर वो निग्रो से डार्क नहीं था ठीक है ना वो उनके पास नंबर ऑफ डोमिनेंट डॉमिनेट अधिक थे तो बनते कितने, है, कितने है, उससे करता आपका के। तो मैं एक बात कहता हूं आप के, कि आपका कॉम्प्लेक्शन चाहे कुछ भी हो मैटर एट ऑल इन लाइफ ठीक है ऑल इन लाइफ ठीक है ना नहीं मैटर करता है वॉट मैटर इन लाइफ कि आप करते क्या है यह मैटर करता है आप यदि मैं कह रहा हूं आपसे एक टॉप की फिल्म एक्ट्रेस हैं जो अमेरिका जाकर बस गई हैं कई मिस वर्ल्ड भी रही हैं तो और बड़ी फेमस एक्ट्रेस है जो हॉलीवुड की कई सारी टीवी सीरीज के अंदर यदि आप उनको वन टू वन देख लेंगे ना तो आपको लगेगा कि इनका कॉम्प्लेक्शन तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन से भी डल है डार्क कॉम्प्लेक्शन है कई सारे ने बॉम्बे में रहता हूं मैं कई सारे फिल्म स्टार से मैं मिला हूं कई सारे लोगों को मैं जगहों को मैं कई कुछ पार्टीज में देखा मैंने जिनको जैसा हम इस पर्दे पर देखते हैं वैसे पर्दे नहीं है के उसकी तुलना में डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं दे हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन ऑल्सो के बट आर डूइंग वेल एंड दे आर, 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 आर सेलिब्रिटीज उनके पीछे भीड़ चलती है पूरी तो कॉम्प्लेक्शन जो नहीं है काम क्या है दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग आप काम क्या करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट थिंग है ठीक है तो इसलिए जो लोग जो है इस बारे में देखता हूं हाल ही में मैंने मैंने एक जो है वो मूवी देखा बाला मूवी देखा जो हेयर फॉल के ऊपर था उसमें कॉम्प्लेक्शन का भी जिक्र किया गया तो सच बात तो यही है कि सोसाइटी का है कि आप कलर को लेकर बालों को लेकर ये सब कलर व्यक्ति की प्रतिभा और व्यक्ति क्या है देखिए पर्सनल चॉइसेस एक अलग चीज है थिके? लेकिन व्यक्ति की पर्सनालिटी पर्सनैलिटी इन छोटी चीजों पर डिपेंड नहीं करती कि वो कैसा दिखता है इस बात पर डिपेंड करती है कि वो क्या सोचता है क्या कर सकता है ठीक है गांधी जी जो है वो अर्नोल्ड नहीं थे वो ठीक है गांधी जी टॉम क्रूज नहीं थे समझ गए नेल्सन मंडेला टॉम क्रूज नहीं थे पर नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला है ठीक है गांधी जी गांधी जी हैं टॉम क्रूज़ का फोटो नोट पर नहीं छपता है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि आदमी का डिटर्मिनेशन वो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ठीक है बीच में बात निकल आई तो मैंने बोल दिया आपसे चीज के तो मैं इतना कहता हूं आपसे कि अभी एक बड़ा अच्छा कैंपेन चला था जितनी भी फेयरनेस क्रीम है ना उनको बोला गया कि ये फॉल्स क्लेम करना बंद करो कि आप जस्ट ये बोलो कि स्किन को ठीक रखने के लिए क्रीम है कि आप ये मत बोलो कि इससे तुम गोरा हो जाएगा तुमको नौकरी मिल जाएगी तुमको लड़का मिल जाएगा तुमको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये सब जो है वो ऐसे विज्ञापनों का आप भी विरोध कीजिए मत देखा कीजिए ऐसे विज्ञापन के डिस्प्लेजर व्यक्त कीजिए उस विज्ञापन पे क्योंकि ये सब सोसाइटी में जो है वो खाई पाटने वाले ने ये अपना धंधा बढ़ाने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं होती हैं चलिए सामाजिक मुद्दे से बाहर निकलते आपको लगता होगा जब भी सर को मौका मिलता है सर बार 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 भारू हो जाता है तो एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में आप लोगों को को भारत का भविष्य मानता हूं फ्यूचर मानता हूं मुझे मालूम है कि आपकी सोच यदि अच्छी होगी और आप यदि देश के बारे में समय में गंभीरता सोचेंगे तो ये देश जो है सौ साल आगे निकल जाएगा ठीक है आज हमको लोग कहते हैं कि आज अमेरिका हमसे बहुत आगे है मैं कहता हूं आप अमेरिका से आगे लेके जाएंगे इस कंट्री को आप ही लेके जाएंगे कोई दूसरा लेके नहीं जाएगा ठीक है किसी नेता के भरोसे मत रहना ये देश आपके भरोसे है ठीक है हम जिसको कहते हैं ना कि हमारा जो कंट्री है हमारी मातृभूमि है भारत माता है वो सब आपके भरोसे है कि आप क्या कर सकते हैं ठीक है और आप चमत्कारी व्यक्ति हैं याद रखिएगा है। ठीक है चलिए तो अब मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक थ्योरी को, को हम क्या इसको बेटा पॉलीजेनिक थ्योरी को हम मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी कहते हैं और इसको हम इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर भी कहते हैं मतलब यहां पर चूंकि क्या हो रहा कि है कि क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी डिसाइड कर डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी ये डिसाइड कर रही है कि एक्सप्रेशन कैसा होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर भी कहते हैं कंटीन्यूअस में कहते हैं मतलब डार्क जो है वो डार्कर देन मुलेटोस ठीक है फेसर जो है वो लेस डार्क देन मुलेटोस फिर फे, फेर, फेरर मुले फेरर देन मुलेटोस मोर फेरर देन मुलेटोस एंड जो है वो देखने मिला मतलब लगातार एक रेंज देखने मिल वेलशिप कर्व देखने मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या मल्टीपल हाँ, फैक्टर बात यह है एक्सप्रेशन इज डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर जीनोटाइप तो एक जीनोटाइप में डोमिनेंट जीन कितने पाए जाते हैं इस पर जो फ्यूटी एक्सप्रेशन वो डिपेंड करता है क्लियर ठीक है तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आप हम ठीक है सबसे पहले सबसे पहले पॉलिजेनिक एनिटेंस को देखने वाले साइंटिस्ट थे निल्सन एंड अहले 1908 में इन्होंने इसको देखा 1908 में देखा इन्होंने इसकी स्टडी की थी वीट के ग्रेन कलर में

तो वाइट कर्नल होगा ठीक है तो तो इन्होंने कहा फोर फोर रेड होगा आर है और एक्सप्रेशन डिपेंड करता किस पर यह डिपेंड करता है कि कितने डॉमिनेंट जीन जो है वो प्रेजेंट है ठीक है अब क्या किया कैपिटल आर वन कैपिटल आर वन कैपिटल आर टू कैपिटल आर टू रेडल है कि स्मॉल आर वन स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू व्हाइट कर्नल कियापिटल आर वन कैपिटल आर टू गैमिट बनेगा यहां पर गेमिट बनेगा स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू गेमिट बनेगा ठीक है एफ वन में सारे कैपिटल आर वन स्मॉल आर वन कैपिटल आर टू स्मॉल आर टू तो एफ वन में सारे के सारे कैसे बने ये बने पिंक कर्नल के सब में हो गए पिंक कर्नल हो गए ठीक है अब इनकी सेल्फिंग कराया सेल्फिंग कराने पर क्या होगा बेटा चार तरह के गेमिट बनेंगे बनेगा स्मॉल आर वन कैपिटल आर टू चौथा बनेगा स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू ठीक है चेकर बोर्ड में सोलह खाने बनेंगे सोलह खानों में जब आप भरेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो यहां मिल रहा है आप आप हर बार चेकर बोर्ड मैं नहीं बनाऊंगा अब आप आप इस बार चेकर बोर्ड आप बनाएंगे और आपके पास एक क्लू है चेकर बोर्ड में खाने और चेकर बोर्ड को जो है और देखिए उसमें कितने नंबर इतना देखना है कितनी संख्या में डॉमिनेट एल एल प्रेजेंट है यदि चारों एल एल डॉमिनेंट है तो रेड करना होगा एक भी डोमिनेंट नहीं है तो व्हाइट कर्नल होगा और दो एल एल डॉमिनेंट है तो पिंक और एक जो है वो डोमिनेंट तो लाइट 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 जो है पिंक ला, होगा और तीन एल एल डॉमिनेंट है तो क्या होगा बेटा वो डार्क पिंक होगा ठीक है तो इन्होंने क्या निकाला F2 में जो फ्रेट रेश निकला वो निकला एक रेड चार डार्क पिंक सिक्स पिंक फोर लाइट पिंक और एक व्हाइट निकला यहां पे ठीक है ना क्लियर ठीक तो वन रेशियो 4 रेशो रेशो सिक्स रेशियो फोर रेशन वन फोर सिक्स फोर वन ये रेशो निकला ठीक है देख लीजिए एक बार इसको ध्यान से के क्या रेशो निकलेगा बेटा फिर रेशो निकला चाहिए आपका वन रेड फोर डार्क पिंक सिक्स पिंक फोर लाइट पिंक और वन व्हाइट आप आप करना है ठीक है आप कर कर मुझे बताइएगा ठीक है किया कि नहीं किया आपने पूछूंगा अगली क्लास में में का मतलब है बेटा कि मोस्ट ट्रेड जो है वो पॉलिजेनिक होते हैं रिजल्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ द मोर देन वन जीन मल्टीपल जीन के एक्शन से बनते हैं दिस जीन्स कंट्रीब्यूट इन ए वे टू फिनोटाइप इट द रिजल्ट ऑफ द ग्रेडेशन ऑफ फिनोटाइप और कंटिन ये भी एनसीईआरटी का ही है बेटा ठीक है ना ठीक है तो कंटेस्टरिशन का मतलब क्या हो बेटा मोस्ट ट्रेड कई सारे ट्रेड जो है पॉलीजेनिक होते हैं द रिजल्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ द मोर देन वन जीन एक से जीन के एक्शन से बनते हैं मल्टीपल जीन से दिस जीन कंट्रीब्यूट इन ए फिनोटाइप मतलब जितने अधिक संख्या में होंगे उतना अधिक फ्यूनोटिव एक्सप्रेशन वो देंगे यहां पे ठीक है

क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम ह्यूमन जेनेटिक्स में जो है हम जो है डिजीज के बारे में बात करेंगे मानव अनुवांशी की में हम बीमारियों के बारे में थोड़ा देखेंगे तो वहां पर ये चीजें बड़ी रोल प्ले करती है पिनेट्रेंस क्या है एक्सप्रेसिविटी क्या है अब देखिए पिनेट्रेंस डिस्क्राइब

Complete penetrance वाले बोलेंगे Suppose मैंने आपसे कहा कि diabetes का जीन है समझ बात कि? Type 2 diabetes जो है बात जो उसमें आपको देखने देखने मिलता है type 1 diabetes होती होती याद रखना type 1 diabetes होती है। वहाँ पर genetics देखने आपको नहीं मिलता है टाइप टू डायबिटीज में आपको genetic predisposition देखने मिलता है यदि मदर फादर को है या डायबिटिक्रांड पेरेंट को डायबिटीज है तो संभावना है कि बच्चे को डायबिटीज होने की संभावना है लेकिन डायबिटीज होगा ये पक्का नहीं है क्यों नहीं पक्का है क्योंकि दस लोगों में मान लीजिए दस लोग जो हैं उनके पास में डायबिटीज का जीन प्रेजेंट है लेकिन दस में से आप पांच लोग ऐसे हैं जो रोज दौड़ते हैं भागते हैं वर्कआउट करते हैं अपना बॉडी वेट कंट्रोल में रखते हैं खाना भी लिमिट में खाते हैं और पूरे समय एक्टिव रहते हैं तो उनके पास जीन भले ही प्रेजेंट हो लेकिन वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि जीन का एक्सप्रेशन जो है वो प्रकृति पर भी डिपेंड करता है जीन का एक्सप्रेशन जो होता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर पर भी डिपेंड करता है तो उसने ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रखी कि वो जीन जो होने के बावजूद बाद पर्यटन अपना इफेक्ट दे नहीं पा रहा है तो पांच लोगों में तो उसने दिया ही नहीं इफेक्ट बचे तीन लोग जो हैं उनके अंदर जीन जो है वो वो किसी ऐसे कारण से कि कुछ बा, वो उतना एक्टिव नहीं हुई है तब भी वो जीन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है लेकिन दो लोगों में वो जीन प्रेजेंट होकर एक्सप्रेस भी कर दिया तो मतलब दस लोगों में से दो लोगों में जीन ने अपने को एक्सप्रेस किया और डायबिटीज कर दिया जबकि जीन दोस्तों के पास प्रेजेंट था तो ऐसा जीन कहलाएगा इनकम्प्लीट जीन कहेगा हम बोलेंगे इस जीन की

मैंने कहा इसे, मैंने कहा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जिनकी की बात की जिसमें प्रेजेंट है उसमें करेगा ही करेगा एक्सप्रेस को उठ के मतलब यह हुआ कि यदि डोमिनेंट जीन, जीन जो है वो म्यूटर एलिल प्रेजेंट है और अपने आपको हर जगह जहां प्रेजेंट वहां एक्सप्रेस कर रहा है इसका मतलब ये कंप्लीट शो कर रहा है इफ समी एलिल डू नॉट शो दिनोटाई इनकम्लीट के मैंने आपसे कहाजेंट है, है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है एट्टी परसेंट पिनिटर यदि अस्सी परसेंट लोगों में जीन एक्सप्रेस कर रहा है ट्वेंटी परसेंट में नहीं कर रहा है तो भी हम बोलेंगे अस्सी परसेंट पिनिटर जीन हंड्रेड परसेंट नहीं है ठीक है क्लियर अब बात आती है

वो किसी जी दस लोगों में एक जीन दस लोगों में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है सपोज के एक डायबिटीज का जीन है ठीक है हम एग्जांपल ले रहे मिटाट के तो वो दस लोगों को डायबिटीज है लेकिन एक आदमी की डायबिटीज ऐसी जो कंट्रोल में ही नहीं हो रही है उसकी डायबिटीज जो है वो अधिक शुगर लेवल बढ़ा रहा है डायबिटीज की सीवियरिटी उसकी ज्यादा है और दूसरे की एकदम कम है बॉर्डर लाइन पर है वो इसका मतलब क्या हुआ जीन सबके अंदर एक्टिव है मतलब एक्सप्रेशन का भी फर्क है कुछ लोगों में वो जीन अधिक एक्सप्रेस करेगा अपने आप को कुछ लोगों में एक्स, एक्सप्रेस कम करेगा देखो एक्सप्रेस सब में कर रहा है अभी कि अभी हम बात कर रहे हैं अभी पिनिटेंस को हमने अलग रखकर बात कर रहे हैं अभी हमने कहा जिन लोगों में जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है जिन लोगों में जीन ने अपना पिनिटेंस दिखाया है उनमें भी एक्सप्रेशन में आपको फर्क देखने मिलता है ये कहलाता है एक्सप्रेसिविटी कहता है ठीक है The two individuals with the same mutation may develop different phenotype. के दो लोगों में सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन है same type of gene present है, लेकिन तब भी उनके फिनो टाइप आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहे है तो ये कहता है के में, है, ठीक तो हमने आपसे क्या कहा कि जैसे penetrance पर फैक्टर का असर पड़ता है वैसे एक्सप्रेसिविटी पर भी इनवायरमेंटल कंडीशन का नेचर और नर्चर का असर पड़ता है जीनोटाइप तो है ही रिस्पॉन्सिबल लेकिन जो इन्वायरमेंट भी इस पर असर डालता है ठीक है देखिए समझने की कोशिश कीजिए आप के अब ये इमेज के जरिए ना तस्वीरों के जरिए हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा जब मैं कहता हूं आपसे कि जीन कंप्लीट पिनेटरेंस है मतलब जितने लोगों में जीन प्रेजेंट है सब में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है आप देखो सब एक समान दिखाई पड़ रहा है के? जब मैंने बोला कि जीन कंप्लीट पिनेटरेंस है जितने लोगों में जीन प्रेजेंट था सब में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है मतलब कंप्लीट पिनेटरेंस है लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में देखिए आप क्या देख रहे हो कि जीन दस लोगों में प्रेजेंट था दस में से दो में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है इन में वो इन में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन दो में अपने आप को एक्सप्रेस एक्सप्रेस जो जो है 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 वो नहीं नहीं कर रहा मतलब मतलब इन दोनों में इसने नहीं किया है, जो है, जीन एलिल प्रेजेंट होने के बावजूद जो है वो ट्वेंटी परसेंट लोगों में इनकम्प्लीट है, है, इसका, इसका है फिर एक्सप्रेसिविटी की बात आती है तो मैंने आपसे कहा यदि कांस्टेंट एक्सप्रेसिविटी होगी यानी एक नियत एक्सप्रेसिविटी होगी एक निश्चित एक्सप्रेसिविटी एक एक होगी तो जितने जिन लोगों में जितने जीवों में वो जीन प्रेजेंट होगा सब में एक समान अपने आप को एक्सप्रेस करेगा देखो आप ठीक है आइडेंटिकल जीनोटाइप है उसने ऐसा एक्सप्रेशन दिया है कि सब एक समान दिखाई पड़ रहे हैं कांस्टेंट एक्सप्रेसिविटी में सब आपको एक समान दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन जब आप बोलते हो वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी बोलते हो आप तो क्या देख रहे हो आप कि वही जीन तो एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन देखो आप इसका कलर अलग है इसका कलर अलग है इसका कलर अलग है

वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी को भी दर्शाता है कि इसका मतलब आपको कई सारे कॉम्बिनेशन देखने मिलेंगे यहां पे देखिए आप है ना मतलब संभावनाएं बढ़ गई ना इनकम्प्लीट फिट भी है वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी भी है तो आप देखो कितने सारे कॉम्बिनेशन यहां पर बन गए और अलग अलग आपको वो जीव दिखाई पड़ रहे हैं है ना ठीक है चलिए तो आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना को देखा हमने आज आपने जो पढ़ा है ना ये पूरी लाइफ काम आता है बेटा मेडिकल करियर में भी ये काम आता है कि एक्सप्रेसिविटी क्या होती है एक्सप्रेसिविटी क्या होती है, क्या होती है है कांस्टेंट एक्सप्रेसिविटी क्या क्या पेनिट्रेंस होता है इनकंप्लीट पेनिट्रेंस क्या होता है कंप्लीट पेनिट्रेंस क्या होता है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है वेरिएशन क्या होता है तो ये फिनोमिना बड़े काम की है इसलिए एनसीईआरटी में पहले क्या था पहले एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं किया था उन्होंने फिर उन्होंने पीछे के हिस्सों में इंक्लूड किया अब उन्होंने प्रॉपर एनसीईआरटी में सही जगह पर इसको दे दिया और एग्जाम में आने की संभावना इसकी तो है है इंपॉर्टेंट तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल बेस्ट तो उम्मीद है लेक्चर में मजा आया होगा लेक्चर में चीजें सारी समझ में आपको आई होंगी बेटा के और बिल्कुल कहा ना आपको जेनेटिक्स को एकदम अटेंटिव होकर पढ़ना मजा मतलब बता ए वन ऑफ चैप्टर थोड़ा डूबकर पढ़ेंगे रस लेकर पढ़ेंगे समझते हुए पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लगाओगे कैसे लगाओगे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लगाओगे बेटा ठीक है ना चलिए तो सॉल्व करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए रहिए। बेटा, मेहनत करते ऑल बेस्ट। become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. यू कैन सॉल्व डेली प्रैक्टिस पेपर्स papers, ऑनलाइन टेस्ट यू कैन can download परफॉर्मेंस enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentors online app from Google Play Store.